अस्सलाम वालेकुम, आई एम मोहम्मद अब्दुल्ला फ्रॉम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। आज हम बैरियर टाउन में एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, कमर्शियल प्रोजेक्ट, जिसकी हम बात करेंगे, डिटेल्स हासिल करेंगे हम उसकी। उसके लिए हमने आज इनवाइट किया है राणा वसीम साहब को। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम सबसे पहले इसकी डिटेल्स हासिल करते हैं, तो उससे आप सबसे पहले इसके बिल्डर्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चीज़ एक लोगों को, क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करती है, वो होता है कि बिल्डर इसके ट्रस्टेबल हैं कि नहीं है। तो आप सबसे पहले इसके बिल्डर्स कौन है उसके बारे में बता दें, और इसकी लोकेशन क्या लोकेशन है इस प्रोजेक्ट की वो बताते हैं। जी शुक्रिया अब्दुल्ला भाई। सबसे पहले प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं कि यह कौन सा प्रोजेक्ट है या किस नाम से बनने जा रहा है। ये लिबर्टी ट्रेड सेंटर के नाम से बनने जा रहा प्रोजेक्ट है, जो कि प्रीसेंट 7 का जो लिबर्टी कमर्शियल है, मोस्टली जिन लोगों ने बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट की हुई है वो ये जो लिबर्टी कमर्शियल है इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं। इसमें 266 स्क्वायर यार्ड के कमर्शियल प्लॉट दिए जाते हैं। अब सेकेंड चीज़ जो आपने बिल्डर्स का पूछा, बिल्डर जो हैं कैपिटल मूवर एंड डेवलपर जो हैं नाम से ये बिल्डर्स हैं, और बहरिया टाउन कराची में ये इनका फर्स्ट प्रोजेक्ट है। इससे पहले ये मरी इस्लामाबाद में जो है मोंटाना लॉजिस के नाम से इनका प्रोजेक्ट मौजूद है, जो कि ग्रे फॉर्म में है। इसके अलावा भी ये डिफरेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और सेम इसी तरह पर ये बहरिया टाउन कराची में भी ये प्रोजेक्ट अभी लॉन्च इन्होंने कर दिया है, लिबर्टी ट्रेड सेंटर, और बाकी इनके पाइपलाइन में है, जो कि ये वक्त के साथ साथ लॉन्च करते रहेंगे। अच्छा, तो हमें इसके फ्लोर प्लान के बारे में बता दें कि कितने फ्लोर स्टोरीज है, क्या है? जी अब्दुल्ला भाई, ये ग्राउंड प्लस 2 की बिल्डिंग है। सेम अगर आपने हेड ऑफिस के बिल्कुल सामने अली क्लैन की बिल्डिंग देखी हो, AQ जो है लिबर्टी मार्केट के नाम से आई थिंक है, तो वो भी ग्राउंड प्लस 2 की बिल्डिंग है, बेसमेंट है। तो ये सेम तर्ज पे जो है सेम एलिवेशन पे ये बिल्डिंग बनने जा रही है। सही है। आप इसका डिस्टेंस बता दें मेन गेट से कितना है, क्योंकि सबसे पहले क्लाइंट्स का सवाल ये होता है मेन गेट से कितनी दूरी पर है, कितने फासले पर है ये प्रोजेक्ट? मेन गेट से ये हार्डली कह सकते हैं 5 से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मौजूद है जी। हेड ऑफिस से जब आप जाते हैं बहरिया हाइट्स की तरफ, तो ये बहरिया हाइट्स से थोड़ा सा पहले जो है, इसके बिल्कुल जो है बहरिया हाइट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे मौजूद है। सही, बहरिया हाइट्स के करीब है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो आप इसमें मुझे ये चीज़ बताएं कि बहरिया टाउन कराची में बहुत से प्रोजेक्ट बन रहे हैं, बहुत से कमर्शियल हैं, तो इसकी ऐसी स्पेशलिटी क्या है कि हमारे क्लाइंट्स, हमारे जो व्यूअर्स हैं, वो इस कमर्शियल में अपना इन्वेस्टमेंट करें, ऐसी क्या इसकी खासियत है? क्या देखिए, इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले तो टाइम ड्यूरेशन, क्योंकि जो बंदा भी इन्वेस्ट करता है ना, उसके जो जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो ये उसके लिए एक टेंशन क्रिएट होती है। तो इन्होंने इस, क्योंकि ये इनका फर्स्ट प्रोजेक्ट है, तो इन्होंने अपने एक क्रेडिबिलिटी बहरिया में बनाने के लिए, तो इन्होंने इसलिए ये छोटा प्रोजेक्ट लॉन्च किया। हालांकि उधर ग्राउंड प्लस 8 स्टोरी बिल्डिंग बन सकती है, लेकिन छोटा प्रोजेक्ट बनाने का पर्पज़ ही ये है कि ये बिफोर टाइम उसे डिलीवर करें। एक तो ये 1 साल का प्रोजेक्ट है, ये बिफोर टाइम जो है ये इंशाल्लाह इसे डिलीवर करेंगे। अब सेकंड चीज़ आ जाती है कि जो है इसमें रेंटल इनकम की जो है इन्होंने एक फैसिलिटी रखी है। जैसे बहरिया में डिफरेंट और भी प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें जो है ये वाली मतलब अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इन्होंने इस्लामिक लॉज को सामने रखते हुए 1 साल में ये डिलीवर करेंगे, और जो नेक्स्ट 2 ईयर है उसका ये आपसे एग्रीमेंट करेंगे, रेंटल एग्रीमेंट। उसमें भी मतलब डिफरेंट चीज़ें हैं कि अगर आप 1 शॉट पेमेंट पे इनका बाय करते हैं शोरूम या ऊपर ऑफिस जो है, उसमें ये है कि ये आपको 12% रेंटल इनकम देंगे, और अगर आप मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे जाते हैं तो उस पर ये आपको 7% जो है वो रेंटल इनकम देंगे। एक थर्ड चीज़ आ जाती है कि इसमें इन्होंने जो अभी प्री लॉन्चिंग रखे हैं, ये एक और मतलब इन्होंने प्लस पॉइंट रखा है कि इन्होंने प्री लॉन्चिंग पे रीजनेबल डिस्काउंट दिया है अपने जो है इनके क्लाइंट्स। सही, मतलब अभी डिस्काउंट वैलिड है? जी 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 बिल्कुल चल रहा है। सही, तो ये कब तक चलेगा डिस्काउंट? ये अभी देखें, ये चीज़ें अभी उन्होंने डिसाइड नहीं की, जारी बात है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये डिस्काउंट है, इसीलिए जो लोग इसको, क्योंकि इसकी लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है, मतलब पहले मैंने थोड़ा सा बहरिया हाइट्स का किया था बताया था, प्रीसेंट 7 का जो कमर्शियल लिबर्टी कमर्शियल है, 2 प्लॉट्स पे ये प्रोजेक्ट बनने जा रहे हैं। उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे जो है प्रीसेंट 6 है, दोनों ही बहुत ज़बरदस्त प्रीसेंट्स हैं। अगर प्रीसेंट 7 की बात करें तो 1000 स्क्वायर यार्ड का जो इस टाइम अगर देखा जाए 1000 स्क्वायर यार्ड को, तो वाहिद ये प्रीसेंट 7 है जिसमें सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है। बहुत सारे विलाज आपको ग्रे फॉर्म में मिल जाएंगे, और फैमिलीज़ भी बहुत सारी मूव हो गई हैं। ठीक है, तो वसीम साहब हमें ये बताएं, लोगों का सवाल होता है कि इसमें मर्जिंग की अपॉर्चुनिटी है, इसमें क्या क्या चीज़ एडजस्ट कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट में या नहीं, इस हवाले से? अच्छा, मर्जिंग इस तरह से है
कि अगर कोई भी आपके पास, जैसे आपने इधर डिफरेंट प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये ऑफ़र कर रहे हैं कि अगर आपने कोई भी इधर शॉप या मतलब इस तरह की कोई चीज़ बाय की हुई है, या आपके पास प्लॉट्स हैं या इवन विलाज हैं, तो आप जो उसका मार्केट रेट है, ये उस मार्केट रेट पे उसे लेके आप ये शोरूम जो है वो इधर बुक करवा सकते हैं। सही, मतलब प्राइसिंग की जी मतलब मर्जिंग इस टाइप की है, लेकिन ये नहीं है कि वो जो आउट ऑफ बाउंड्री वो वाली चीज़ें नहीं है, लेकिन जो आपकी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है ना उसको कर सकते हैं रेट पे आप लोग। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है, ठीक है, मतलब वो अच्छे रेट से। सॉरी अब्दुल्ला भाई, उसमें ये भी है कि अभी इस टाइम अगर करंट मार्केट की बात की जाए तो बायर वैसे ही मार्केट में कम है, तो ये अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल किसी के पास विला है, अगर हम 10A की या 11A की बात करते हैं, तो अराउंड 2 लाख के जो है वो विले की प्राइस है। जी बिल्कुल, सॉरी 2 करोड़ जो है, सही है। तो अगर आप उसमें जो इस टाइम रेंटल इनकम है वो 50-60 के दरमियान है, लेकिन अगर आप वो अपना, एक तो ये है कि जो रेजिडेंशियल प्लॉट हो गया या प्रॉपर्टी कोई विला हो गया, उसकी जो बढ़ने का, या हम कह सकते हैं अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, उसकी रेशियो ज़रा कम होती है एज़ कम्पेयर रेजिडेंशियल, सॉरी कमर्शियल प्रॉपर्टी। अगर वो साल में 15-20% बढ़ता है, तो ये 30-40% बढ़ती है। और सेकंड ये है कि अगर रेंटल इनकम की बात करें, तो अगर आप ये विलास की, जैसे हमने वो लाइव एग्जांपल है कि 50-60 हज़ार के दरमियान उसका मंथली रेंट है, लेकिन अगर वही 2 करोड़ की अमाउंट का आपने कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी बाई की होगी, तो उसका जो रेंट है वो मिनिमम जो है वो 2 लाख के आसपास होगा। अच्छा। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि अगर डबल रेंट है, डबल नहीं, अगर रेजिडेंशियल 4 टाइम ज़्यादा है, 4 टाइम जी वो 50 है, तो ये मतलब 2 लाख है, तो ये जी बिल्कुल 4 टाइम्स हो गया जी। तो थैंक यू सो मच, हमें लगता है इतनी डिटेल्स काफ़ी हमारी जी। तो फॉर मोर डिटेल्स और विजिट प्लीज़ कॉन्टेक्ट अस, थैंक यू सो मच।